नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी चिकन बरिस्ता मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि चिकन बरिस्ता मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है। 700 ग्राम चिकन है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़े पीसेस में कट नहीं किए हैं और ना ही बहुत छोटे पीसेस में कट किए हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के पीसेस है यहाँ पर। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, एक टीस्पून करके आप इसमें दे दीजिएगा। देके इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए थोड़ा सा रख लेंगे। आधे घंटे बाद मैं एक फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। मस्टर्ड ऑयल में मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो सारे चिकन एक बार में ही मैं इसमें दे दूंगी। देख के मुझे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है चिकन को अच्छे तरीके से। अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैं इसको ढक के हाई फ्लेम में दे दूँगी। इसमें से जो जूसेस निकलेंगे उसी में चिकन जो है हाफ जो है वो पक जाएगा। और दूसरे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। उसमें मैंने 3 बड़े साइज के ऑनियन को स्लाइसेस किए हुए हैं चॉप्ड करके, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कुछ लहसुन की कलियाँ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और 1/2 इंच अदरक का मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। ऐड करके मैं इस कढ़ाई में अलग से इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके इसे मुझे एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसे पहले हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी है। देखिए इस तरीके देख सकते हो आप चिकन से कितने ज़्यादा जूसेस निकले हैं। इसे मैंने ढक के हाई फ्लेम में दिया था। देखिए अब इसके देखिए ये जूसेस जो है ये बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाएगा और यहाँ ये चिकन जो है अभी हाफ कुक जो है वो हो जाता है। उसके बाद हम जो दूसरे नेक्स्ट हम जो देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में हम ये प्याज, अदरक और लहसुन को फ्राई कर रहे हैं। करके अब हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको अलग से एक बोल में निकाल लेंगे। निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए चिकन जो है बिल्कुल इसके जूसेस जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हमने जो पेस्ट बना रेडी किया है वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमें अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। अब फ्लेम को हाई बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल लो कर दीजिएगा फ्लेम को। अब जो है ये चिकन हम अब लो फ्लेम में ही इसे पकाएंगे। अब हम इस मसाले को चिकन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट के लिए इसे हमने मिक्स कर लिया है लो फ्लेम में। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर 1 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून और नमक मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार ऐड किया है। मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैंने उसको उन मसाले को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक टमाटर का प्यूरी बना लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। करने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाना है एकदम लो फ्लेम में। पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा छोटे कप का 1 कप हम इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर, थोड़ा कुनकुना पानी जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई करके इसके जो मसाले के साथ हम इसको चिकन को और ये मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैंने यहाँ पर करीबन 2 कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, सॉरी 2 कप नहीं, करीबन 1 लीटर पानी जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ऐड करके अब मैं इसे ढक दूंगी, 5 मिनट के लिए मैं इसे ढकूंगी, बिल्कुल हाई फ्लेम में आपको देना है। 5 मिनट बाद ढक्कन निकालने के बाद अब मैं इसमें, मैंने अभी तक मिर्च नहीं ऐड किया है, अब मैं इसमें हरी मिर्च जो है बीच से मैंने थोड़ा सा कट करके अब मैं इसमें दूंगी, जिससे कि इसके अरोमा जो है बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च का, इसलिए मैं इस तरीके से हरी मिर्च दूंगी और फिर 5 मिनट के लिए ढक के इसे हाई फ्लेम में पकाऊंगी। यहाँ पर देखिए चिकन जो है 10 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।